मास्टर कार्ड वनडे भारत बनाम श्रीलंका। टॉस रहा भारत के नाम, रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। यार रोहित शर्मा भारतीय कप्तान, ये भी अच्छी लय में नजर आया है, बहुत बढ़िया पारी ने भी खेली थी 83 रन की पहले दिवसीय मुकाबले में। वनडे क्रिकेट में पदार्पण बहुत अच्छा और शुभ हुआ है शुभमन गिल का, 21 विकेट का सुन राजिता के नाम। पहली गेंद रोहित शर्मा और राजिता, जहां पे ऑफ साइड पे जैसे ही मौका मिलता है बहुत कड़क शॉट्स खेलते हैं शुभमन गिल। ये दिशाहीन, ये बिल्कुल उभरी जीते के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी हम देख रहे थे मैच, आज है भारत और श्रीलंका का मैच हो रहा था वनडे मैच, जिसमें भारत ने श्रीलंका को बहुत ही शानदार तरीके से हराया है। भारत 390 रन का विशाल स्कोर रखा था, जिसमें विराट कोहली ने बहुत ही शानदार पारी खेली, 166 रन का उन्होंने पारी खेली है और इनकी पारी और शुभमन गिल भी शतकीय पारी खेली है और साथ में रोहित शर्मा भी एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है 42 रनों का। तो अच्छे से बैटिंग करने के बाद भारत 390 रन का बहुत विशाल स्कोर रखा, जवाब में श्रीलंका ने 71 रन पे ही मात्र सिमट गई है और इंडिया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। श्रीलंका काफ़ी टाइम पहले इंडिया को भी 300 के करीब से रन से हराया था। तो दोस्तों आज का मैच बहुत ही मजा आया देखने में। अगर आप लोग देखे होंगे मैच तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग मैच देखे और विराट कोहली का शतक देखे है या नहीं। चौका पांचवी गेंद पे, उसके बाद कट शॉट, पॉइंट के फील्डर से दूर, डीप के पास भी कोई मौका नहीं, लेकिन ये मामला संगीन। बहुत देर थी एक दूसरे को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा, नजरें गेंद पे थी, परेशानी में दो खिलाड़ी इस समय। तो दोस्तों आज का जो मैच था वो बहुत ही अच्छा था। भारत श्रीलंका को 317 रन से हराया, एक बहुत विशाल स्कोर, 317 रन एक पारी में टीम बना नहीं पाती है और इंडिया 390 रन बनाए और श्रीलंका को मात्र 73 रनों पे ऑल आउट कर दिए, और जिसमें मोहम्मद सिराज बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया, उन्होंने 4 विकेट लिए हैं और साथ में मोहम्मद शमी भी 2 विकेट लिए हैं और कुलदीप यादव 2 विकेट। तो इन बॉलर भी इंडिया के बहुत ही अच्छे खेले हैं और साथ में बैटिंग तो बहुत लाजवाब हुई है, विराट कोहली का शतक, शुभमन गिल का शतक और रोहित शर्मा का भी 42 रन का स्कोर। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ, आज का मुकाबला बहुत ही अच्छा रहा और मैच देखने में बहुत ही मज़ा आया। तो अगर आप लोग मैच देखे होंगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो का करता है यहीं पर एंड, सिर्फ यही बताना था आप लोगों को कि आज इंडिया बहुत ही शानदार रनों से जीता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडिया। तो ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले किसी ब्लॉग